हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभ्यर्थी यहां पर यूपी टीजीटी और पीजीटी की फ़ाइनल आंसर की और फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की जो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगी, फाइनल कट अप क्या रहने वाली है और साथ ही जो इसकी आंसर की है वो कब तक आ जाएगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से आज सुबह की सबसे स्पेशल अपडेट निकल कर आ रही है आपकी यहाँ आंसर की को लेकर और रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी रिज़ल्ट पर लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में यहाँ पर नतीजे भी जल्द आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा में 11,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन हेतु हुए थे, यानी कि दोस्तों जो आपकी नंबर ऑफ पॉजिटिव 15,000 प्लस कुछ थी उसके लिए लगभग यहाँ पर 11,00,000, यानी कि जो यहाँ पर जो है टीजीटी के लिए और साथ ही पीजीटी के लिए यहाँ पर एक में आपको 7,00,000 के आवेदन आए थे और एक में लगभग 4,00,000 कुछ आवेदन आए थे। उन सभी की फ़ाइनल आंसर की और उनकी रिज़ल्ट का कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट का इंतज़ार वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो आपकी फ़ाइनल आंसर की है, यानी कि फ़ाइनल आंसर की जो है आपकी यहां पर 2 से 4 सितंबर के बीच में आ जाएगी और साथ ही यहां पर जो आपकी परिणाम है वो यहां पर 15 सितंबर तक आने की यहां पर उम्मीद बताई गई है, क्योंकि यहां पर योगी सरकार द्वारा बताया गया था कि 2020 की और साथ ही 2021 की अंदर जितनी भी भर्तियाँ हैं जिनके भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं उन सभी को यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के बीच में इनकी भर्तियों को पूरा कर देना है। तो इसको लेकर जो सरकार जो है आपकी रिज़ल्ट और आपकी परिणाम बहुत ही जल्द जारी करने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी आंसर की जो है यहाँ पर 2 से 4 सितंबर के बीच में आ जाएगी और जो रिज़ल्ट है लगभग यहाँ पर जो है आपकी 15 सितंबर से पहले यहाँ पर रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगी। तो यह दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।